अस्सलाम वालेकुम ऑफ टीवी के साथ मैं हूं बोनस रजा और मैं हूं इंक्रीमेंट रजी। इंक्रीमेंट? हाँ बोलो। तुम्हें पता है लड़की और बस में कोई फर्क नहीं होता। कैसे? एक आती है दूसरी जाती है। तुम लड़कों और रक्षों में भी कोई फर्क नहीं होता। वो कैसे? एक बुला बहुत सारे आ जाते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से पानी के ज़खायर में इजाफा होगा, जिस पर डॉक्टरों का कहना है कि पसीना आने से सेहत अच्छी होगी। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार का कहना है कि पीसीओ हल्फ उठाने से बाइसेप्स बन सकते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान और दीगर सियासी डॉक्टरों ने आवाम को ICU पहुँचा दिया। आवाम कोमे में चली गयी। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद पर कातलाना हमले के बाद कहा है कि वो खुदकश कम बल्कि बॉलर ज्यादा था, हैट्रिक करने की कोशिश नाकाम। कराची के ताज इत्तेहाद के दरमियान पोलो ग्राउंड में पोलो के बजाय रॉयल रंबल का मुकाबला, मैकमोहन और ट्रिपल एच ने कराची आने का फैसला कर लिया। जुल्फों से गिराने वाले धोनी जीत की खुशी में गंजे हो गए, नवाज शरीफ ने खुशी से पागल होकर शहबाज शरीफ के बाल नोच लिए। नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि मैंने ख्वामखा चांद पर जाकर अपना वक्त जाया किया, इससे बेहतर है मैं पाकिस्तान आ जाता क्योंकि पाकिस्तान भी पानी, बिजली और हवा से महरूम है। और उमर शरीफ ने शराफत की इंतहा पार कर दी, थर्ड क्लास कॉमेडी के 22 हुकूमत ने घरों में बच्चों के लिए पेरेंटल गाइडेंस लगाने का ऐलान कर दिया। बोनस बोलो। पता है कल मैंने अपने शोहर को कहा मेरे लिए एक सूट बनवा दो वरना मैं मैगे चली जाऊंगी। अच्छा फिर वो क्या बोला? वो क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा वापस आओ तो मेरे लिए एक सूट लेती आना। ये थी अब तक की हेडलाइंस, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उफ न्यूज। कैसे होते ना शोहर, बिल्कुल अच्छे। This contact brought to you by रोजमहाना उफ अखबार, खबर नहीं सिर्फ लगाई बुझाई जो कर दें आपका मीटर शॉर्ट, दिन के 24 सेकंड आपके पीछे। रोजमहाना उफ अखबार हफ्ते में 30 दिन अपने करीबी सब्जी वाले से तलब फरमाएं। बड़ों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो मौत के फरिश्ते से राब्ता करें। नाजरीन अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, PIA की नाहेली एक दफा फिर सामने आई है। मैं आपको बताता चलूं, ये वाकया दो जहाजों के आपस में टकराने से पेश आया है। हमारे नुमाइंदे जॉन सीना वहां पर मौजूद हैं, आइए चल के इनसे बात करते हैं कि जी जॉन आपको मेरी आवाज आ रही है? जॉन आप लाइव हैं? जी जी रजी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं एयरपोर्ट के करीबी इलाके में मौजूद हूँ और जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि जहाजों का आपस में टकरा कर गिर जाना हमारे यहाँ आम हो गया है। आज भी दो जहाज आपस में टकरा कर गिर गए हैं। जी जॉन, क्या किसी ऐनी शाहिद से बात हो सकती है? जी जी, यहाँ पर एक हम साहब से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आया कि जहाज आपस में टकरा कर गिर गए, क्यों और कैसे और कब? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताएगा जहाज गिर गए कब और कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बोले क्या पूछना है आपको? भाई जहाज गिर गए आपस में टकरा कर, आज क्यों कब कैसे? मैंने इनको मना किया था, इतनी मत लगाओ, देखो कैसे टकरा के गिरे पड़ रहे हैं। ओवर टू यू बोनस। यार जॉन, यार क्या आदमी है जॉन, बहुत शुक्रिया जॉन हमारे साथ रहने का। मुंह खोलिए, अरे मुंह खोलिए ना, अरे मुंह खोलिए कि मैं पाना ले जा रहा हूं। जब आपको पता था कि आपके मुंह में छिपकली घुस रही है तो आप चुप क्यों थे? पहले कॉकरोच गया तो मैं समझा कि छिपकली उसे पकड़ लेगी। क्या